हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनोच बर्डिजो टेक्निक के बारे में। और इसको देखिए, यूनक भी बोला जाता है। एक्चुअली इंग्लिश के कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, बट उनका जो मीनिंग है वो तो देखिए सेम ही होता है। ये बर्डिजो कास्ट्रेशन का एक ऐसा तरीका है ना, जिसमें जो मेल होता है उसके जो अंडकोश होते हैं उसका जो कॉकबॉल्स वाला पार्ट होता है उसको ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है उसके बॉडी से, और उसके बाद वो एक नामर्द बन जाता है हमेशा के लिए। और पहले ये टेक्निक जो थी ना, इसका इस्तेमाल किया जाता था लोगों को गुलाम बनाने के लिए। बहुत पहले बहुत से लोगों को ऐसे इस हाल में कर दिया जाता था, बिकॉज उनको चाहते थे लोग कि हाँ भाई, इनसे हमें गुलामी करवानी है, ये हमारी औरतों के आसपास रहेंगे तो ये उनके साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। राजे महाराजों के टाइम पे जब देश में बहुत से देश जो गुलाम होते थे, जिसके भी वो गुलाम होते थे, वो उस देश के लोगों पर ऐसी जो टेक्निक्स थी उनको आजमाते थे। बट होता क्या है ना, देखिए टाइम टू टाइम जब चीज़ें चेंज होती हैं तो लोग जब इंटरनेट पर आते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वो उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं ले हैं, और बिना नॉलेज के किसी भी चीज़ में फंसकर वो अपना ऐसा कोई ऑपरेशन करवा लेते हैं, और बाद में उसको उनके कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं और कुछ उनके नुकसान भी मिलते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो एक ऐसे ही लड़के की स्टोरी पर आधारित है। एक्चुअली ये एक ऐसा लड़का जिसका नाम था सतीश, और इसके साथ एक्चुअली हुआ क्या कि ये जैसे जैसे यंग होता जा रहा था, इसको लड़कियों के जो ड्रीम्स थे वो बहुत ज़्यादा आते थे। लड़कियों के सपनों में खोए रहना, किसी भी लड़की को देखकर ये एकदम से अट्रैक्ट हो जाते थे, और उस अट्रैक्शन में ये उससे बात नहीं कर सकते थे, उसके साथ दोस्ती नहीं कर सकते थे, उसके साथ संबंध नहीं बना सकते थे। रीज़न क्या था कि सतीश जो थे वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पास ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे, ना खर्च करने के लिए पैसा था, ना अच्छी जगह लड़कियों को घुमाने के लिए जो मतलब पॉकेट मनी होती है वो होती थी। मतलब उनकी पॉकेट में इतना पैसा नहीं होता था कि जो वो लड़कियों को घुमा फिरा सके, उनके जो शौक हैं वो पूरे कर सके। और ये आज के समाज की एक कड़वी सच्चाई है कि लड़कियां भी उसी से दोस्ती करती हैं, उसी से रिलेशन बनाती हैं जिसकी जेब में वजन होता है। तो सतीश के साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। रात भर वो लड़कियों के ख्यालों में खोया रहता था। उसकी वजह से उसको बहुत बार मतलब ऐसे ही उसका जो डिस्चार्ज है वो बिस्तर में हो जाता था। उसको मॉर्निंग इरेक्शन की बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है उसको फेस करना पड़ता था। मॉर्निंग इरेक्शन के टाइम पर उसको बहुत ज़्यादा पेन होती थी। मास्टरबेशन के बारे में भी सतीश को पता था कि अगर वो बार बार मास्टरबेटिंग करेगा तो वो भी इन फ्यूचर उसको नुकसान पहुंचाने ही वाली है। और बार बार लड़कियों के ख्यालों में खोए रहना, उनके बारे में ही सोचते रहना, तो उसका मतलब जो ध्यान था ना वो सिर्फ लड़कियों पर ही अटक के रह गया था। वो अपनी लाइफ को ऊपर ले जाने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए जो माइंड है ना उसका यूज़ कर ही नहीं पाता था, बिकॉज उसके अंदर जो सेक्स की भावना थी ना वो इतनी ज़्यादा थी कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं करना कर पाता था, और 24 घंटे वो लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता था। ऐसे ही सोचते सोचते एक बार इंटरनेट पर उसको यूनोच जो कास्ट्रेशन बर्डिजो है उसके बारे में पता चला। उसने उसके बारे में पढ़ा सुना तो उसके माइंड में एक चीज़ आई कि अगर मुझे अपना जो सक्सेस लेवल है उसको बनाना है तो मुझे इस टेक्निक का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। जब वो उसके बारे में पूरी जो जांच पड़ताल है वो करता है तो उसको एक चीज़ पता चलती है कि इस ऑपरेशन के दौरान जो लड़का होता है उसके जो अंडकोश होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, और उसके बाद लड़कियों के लिए जो उसका अट्रैक्शन है ना वो ख़त्म हो जाता है, वो कम हो जाता है। हालांकि सतीश ने सिर्फ फ़ायदे ही उसके पढ़े, उसके नुकसानों के बारे में उसने उस टाइम नहीं सोचा, बिकॉज़ उसका एक थॉट था कि भाई जिन पैसों के लिए लड़कियाँ मुझे
रिजेक्ट कर देती हैं, कोई लड़की मुझसे बात नहीं करती है, मुझे अपनी लाइफ में वो पैसा कमाना ही है। बट सतीश ने ये नहीं सोचा कि लड़कियों की तरफ से वो अपना ध्यान हटाकर उस पैसे को कमाने की तरफ वो अपना ध्यान लगाए, बल्कि उसने अपनी बॉडी पर ही ध्यान दिया कि हाँ भाई, अगर मैं जो अपने अंकोश हैं उनको निकलवा दूंगा तो ये जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं ना वो दूर हो जाएंगी। इसी चक्कर में सतीश जैसे तैसे करके पैसे वैसे इकट्ठे करते हैं, काम धंधा करते हैं और अपना ये जो ऑपरेशन है वो करवा लेते हैं और वो एक नामर्द बन जाते हैं, नपुंसक बन जाते हैं हमेशा के लिए। उसके बाद सतीश का जो ध्यान था वो गर्ल्स की तरफ से कम हो जाता है, उसका जो अट्रैक्शन था वो गर्ल्स में नहीं रहता है और वो अपना ध्यान अपनी स्टडी पर, अपने करियर पर फोकस कर पाते हैं और फोकस करने के बाद वो एक उस जगह पर पहुंच जाते हैं, उस स्टेज पर वो पहुंच जाते हैं कि उनकी पॉकेट में पैसा भी होता है, उनके पास गाड़ी भी होती है और उनके पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी होता है। मतलब उसके पास वो सब चीज़ें होती हैं जिससे कोई भी अच्छी लड़की उसके साथ शादी भी कर लेगी, कोई भी अच्छी लड़की उसके साथ उसकी जीए बनने के लिए भी तैयार हो जाएगी। बट उस पैसे का, उस घर का क्या फ़ायदा जब सतीश ने बिना सोचे समझे एक ऐसा डिसीज़न लिया जिसने उसको सारी ज़िंदगी के लिए नपुंसक बना दिया। हालांकि हम जानते हैं और इस चीज़ को हर लड़का आज के दिन समझता होगा कि लड़कियां जो हैं वो पैसे पर बहुत ध्यान देती हैं। 90% 80% केसेस रिलेशंस पैसों की वजह से टूटते हैं और ये एक कड़वा सच है। बट उस पैसे के लिए, मतलब उस पैसे का भी क्या फ़ायदा जब आपकी बॉडी ही किसी लड़की के सेटिस्फेक्शन के लायक ही ना रहे। हालांकि लड़कियां पैसों की तरफ मतलब झुकती हैं, बट उनको एक ऐसा पार्टनर भी चाहिए होता है जो उनको फिजिकली सेटिस्फाइड भी करे, जो उनको माँ बनाने की जो है वो ताकत भी रखता हो। तो सतीश ने ये कर तो दिया, उसने सिर्फ ये सोचा कि हाँ भाई, मैं ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा और मेरा जो ध्यान है वो उस चीज़ की तरफ रहेगा, ठीक है ना। तो उसने फ़ायदे और नुकसान दोनों को रखकर नहीं सोचा ना कि हाँ भाई, अगर मैं पैसा कमा भी लूँगा तो कल को वो पैसा, वो घर, वो गाड़ी किस काम का जो मुझे एक फैमिली का सुख ही ना दे सके। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि सतीश ने ऐसी क्या गलती की, उसने किन फ़ायदों के बारे में सोचा, किन नुकसान के बारे में नहीं सोचा। तो देखिए, ये जो यूनोच कस्ट्रेशन बर्डेजो की टेक्निक है ना, इससे होता क्या है, इससे जो मेल के अंकोश हैं वो निकाल दिए जाते हैं। और ये बात सभी को पता है कि मेल की जो इरेक्शन पावर होती है ना, वो जब अराउज होता है तो उसके जो अंकोश हैं उनका बहुत ज़्यादा इसमें हाथ होता है। तो जब ये अंकोश निकाल दिए जाते हैं तो उसके बाद जो मॉर्निंग इरेक्शन मेल्स में होता है वो बंद हो जाता है। किसी भी सुंदर लड़की को अगर वो देखेंगे तो उसके लिए उसके मन में वो वाले ख्याल नहीं आएंगे, उसके साथ फिजिकल होने का, उसके साथ संबंध बनाने का जो एक पूरी काल्पनिकता उसके माइंड में आ जाती है ना, वो उसकी तरफ पूरा अट्रैक्ट हो जाता है, वो वाली फीलिंग्स जो हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, उनको मास्टरबेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज जो उनका पेनिस है वो एकदम से नॉर्मल स्किन की तरह लटक जाता है, उसमें कड़ापन रहता ही नहीं है। हालांकि सतीश बताते हैं कि मैं इतना ज़्यादा लड़कियों के पीछे पागल हो गया था, मेरे दिमाग पर जो लड़कियां थी वो इतनी ज़्यादा हावी हो गई थी कि मेरे माइंड में जो रेप जैसे ख्याल हैं वो भी आने लगे थे कि काश मुझे कोई ऐसी लड़की, ऐसी औरत, मतलब उसको उम्र का भी ख्याल नहीं था, वो ये चाहता था कि बस कोई औरत मुझे मिलनी चाहिए। तो ये जो रेप के ख्याल हैं, ये जो बलात्कार वगैरह होते हैं, इन सब से बचा जा सकता है, बिकॉज अगर मेल इरेक्ट ही नहीं होगा, उसके अंदर ये अराउज होने की जो थॉट्स हैं, अट्रैक्शन वाली जो फीलिंग्स हैं वही नहीं आएंगी, तो रेप वगैरह होंगे ही नहीं। ऊपर से उसका
होता क्या है कि इसमें देखिए एक चीज़ बोली जाती है कि अगर इंसान सेक्स नहीं करता है, संभोग नहीं करता है, तो उसकी जो एज है ना वो भी एक हद तक बढ़ जाती है, बिकॉज वीर्य जो होता है उसको मेल बॉडी का एक बहुत ही पावरफुल चीज़ माना जाता है, और जब वो बॉडी से निकलेगी नहीं तो मेल की जो एज है उसकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है। ये सब फ़ायदे सतीश ने देखे, बट इसके जो नुकसान हैं उनकी तरफ भी उसको ध्यान देना चाहिए था कि वो सारी ज़िंदगी के लिए नामर्द बन जाएगा, वो सारी ज़िंदगी के लिए नपुंसक बन जाएगा, वो कभी बाप नहीं बन पाएगा, उसकी ज़िंदगी में अगर कोई लड़की आएगी तो वो उसको शारीरिक सुख नहीं दे पाएगा, बिकॉज उसके जो पेनिस है उसमें इरेक्शन होगा ही नहीं, और इरेक्शन नहीं होगा तो उसकी जो बाप बनने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी। हालांकि अंडकोश निकलने के बाद उसका जो प्राइवेट पार्ट वाला हिस्सा है वो एकदम से ढीली ढाली चमड़ी ही हो जाता है, उसमें कोई कड़ापन नहीं रहता है, उसमें कोई जो सख्ती होती है वो नहीं रहती है, तो अगर उसका मन कभी करेगा भी तो भी वो किसी के साथ जो है वो संभोग नहीं कर पाएगा, और जब तक इंटरकोर्स नहीं किया जाएगा, जब तक माइंड उस चीज़ के लिए हमें बोलते हैं ना साइंस नहीं देगा, तो कैसे कोई मेल जो है वो किसी के साथ जो सेक्स है वो कर पाएगा। तो बहुत सारे फ़ायदे, बहुत सारे नुकसान। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप जब किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं ना तो उसको प्लीज़ अच्छे से सोचिए, समझिए। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जिनके अंदर लड़कियों का जीवन जो जीने की है वो इच्छा होती है, सिस्सी बॉयज़ होते हैं, कुकोल्ड हस्बैंड होते हैं, मतलब बहुत से लड़के कोई गरीबी से तंग आकर, कोई घर की मजबूरियों में, किसी की लाइफ में, अब जैसे सतीश की लाइफ में कोई लड़की नहीं आ रही थी, ऐसी किसी भी चीज़ से अगर आप ऐसा कुछ करने की सोचते हैं ना तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स जो हैं वो आपको सोच लेने चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आपको पछताना ना पड़े। तो ये थी यूनोज के बारे में मेरी जानकारी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और अभी आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।